स्वागत है आपका अमिते के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम ये जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है तो इसे ठीक करेंगे। किस तरीके से ठीक करते हैं, तो उसमें हम जैक डालेंगे सिंपली। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हो, इसका हमारा जैक टूटा हुआ है, इसके प्रिंट भी थोड़े बहुत उखड़ चुके हैं। उसमें लगाएंगे एक्सटर्नल जैक। हम इन सॉकेटों को और उसमें जैक लगाएंगे, जैक लगाएंगे एक्सटर्नल जैक। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हालत है। लेते हैं इन दोनों पेचों को, सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं खोल के। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्किट को हमने बाहर निकाल लिया है खोल के। और आप जहाँ देखें तो ध्यान से अगर, तो हमारे इसके भी प्रिंट उखड़ चुके हैं, यहाँ के प्रिंट उखड़ चुके हैं। तो सिंपली हमारा वही मैटर रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा जो कि मतलब निगेटिव है, और पॉजिटिव हमारा डायोड पे जाएगा। बाकी आप अगर ये देखो तो ये बैटरी वाला जैक है हमारा, और ये स्पीकर का आर लेफ्ट राइट है। बाकी ये हमारे कीबोर्ड होगा, ये हमारे जैक होगा, यूएसबी जैक है। तो लगा लेते हैं किस तरीके से कनेक्शन करने हैं और किस तरीके जैक लगाना है, ये भी दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो में। और अगर आपने हमारी इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख सकते हैं आप आई बटन पर क्लिक करके। इसमें जैक लगाना है, यहाँ इस जगह पे जैक लगाना है हमें, इस जगह पे जैक लगाना। तो इस जगह को कर लेते हैं हम बड़ा। तो कैसे करेंगे, शोल्डर आयरन की मदद से कर लेते हैं हम इसे बड़ा। हमें जो एक्सटर्नल जैक लगाना है वो है ये, आप देख चुके हो काफ़ी वीडियो में, आप देख चुके हो तो आप एक बार और देख सकते हो। उसे काफ़ी सस्ता मार्केट में मिलता है, आप जाके इसे खरीद सकते हो, बहुत सस्ता है मार्केट में। और ये वाला जैक लगाएंगे हम, तो जो कि बहुत बढ़िया वाला जैक है। तो दोस्तों लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं आप कैसे देख ही चुके हो, अगर नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो आई बटन क्लिक करके देख सकते हो। जो हमारा जैक है इसे यहाँ पर ना लगाकर, और ये जो हमने बताया था कि इस जगह पे फिट करेंगे हम जैक को, देख सकते हो आप लोग। अगर इस जगह पे हम जैक को फिट करेंगे इस जगह पे, तो इसकी जगह हम यहाँ फिट नहीं करेंगे, इसे बैक साइड में इधर पीछे फिट करेंगे, जो कि इस तरीके से आएगा जब हम कवर्ड को बंद करेंगे। और यहाँ आएगा हमारा जैक, यहाँ आएगा इस जगह पर, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगेगा, प्राउड भी लगेगा। उसे यहाँ लगाएंगे, तो सिंपली काइये से यहाँ होल कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। करते हैं आप, काफ़ी अच्छे लग रहा है जैक और अच्छे तरीके से लगा हुआ है, पीछे दिखेगा भी नहीं, इससे ढक जाएगा तो हम दिखाई नहीं है। जैसे शोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा पेस्ट लगा के, और इसमें दो वायर कनेक्ट कर लेंगे जिससे हम लगा सकें, कर लेते हैं इस वायर को कनेक्ट। और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से देखने का है काम। वायर को कर लेते हैं हम शोल्ड पेस्ट लगा के, और नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हमारी बड़ी वाली पिन है ये प्लस की है, और जो छोटी वाली माइनस की है। तो प्लस वाली में रेड वाला कर लेते हैं शोल्ड, और माइनस वाली में कर लेते हैं ब्लैक वाला।
बड़े तरीके से शोल्ड कर लिया है हमने अभी से, और से हल्का सा आगे बढ़ा देते हैं तार को और इन दोनों पिनों को कर देते हैं साइड से हम इस तरीके से, जिससे आप अपना शॉर्ट सर्किट ना हो। और इन दो वायरों को सर्किट में शोल्ड करेंगे, तो देख सकते हैं कहाँ शोल्ड करेंगे। तो ये आ गया हमारा सर्किट, जो कि इसका सर्किट है। और बहुत ध्यान से देखना आपको कहाँ वायर शोल्ड करेंगे हम। तो हमने फोकस कर दिया है कैमरा और दिखाते हैं आपको। तो हमारा सबसे पहले जो ब्लैक वाला वायर है वो माइनस शोल्ड करेंगे, तो वीडियो को ठीक कर लेते हैं हम। वायर को हम यहाँ शोल्ड करेंगे यहाँ पर, और जो हमारा रेड वाला वायर है उसे हम यहाँ शोल्ड करेंगे। तो कर लेते हैं दोनों वायरों को शोल्ड और दिखाते हैं आपको फिर। बड़े तरीके से हमने वायर शोल्ड कर दी, तो आपको एक बार दिखाना चाहूँगा फोकस करके, तो कहाँ हमारे वायर शोल्ड हुए हैं उसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देख सकते हो आप लोग, ये हमारे वायर शोल्ड हो गए हैं। थोड़ा तो फोकस करके दिखाना चाहूँगा, एक हमारा डाइवोड पे और एक हमारा नेगेटिव में कॉमन। और इन वायरों को शोल्ड करने के बाद चेक कर लेते हैं जैक लगाकर, हम चार्जिंग का जैक लगाकर चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये है चार्जिंग का जैक, चार्जिंग की पिन जो कि जैक में लगा के चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारी ये चार्जिंग की एलईडी जो है वो ग्लो कर चुकी है, चार्जिंग की एलईडी ग्लो कर चुकी है दोस्तों। और ये हमारा चार्ज होना चालू हो गया क्योंकि हमने बैटरी का जैक लगा लिया, स्पीकर का नहीं लगाया, बैटरी का जैक लगा लिया, चार्जिंग हमारी ऑन हो चुकी है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।